21 दिसंबर को हुए सोनी किन्नर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देकर टेम्पो से जा रहा था। इस दौरान किन्नर उस टेम्पो से नहीं उतरने की जिद कर रहा था। इस बीच बदमाशों ने उस पर गोली चला दी, जिससे किन्नर की मौत हो गई। मामले की जानकारी देते हुए सदर एडिशनल एसपी संदीप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच की, जिसमें सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया गया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में दो अपराधियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार अपराधी बीते 18 दिसंबर को जेल से छूटा था। इसके बाद फिर से लूटपाट की घटनाओं में सक्रिय हो गया। बीते 21 दिसंबर को दोनों अपराधी थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देकर राजेंद्र नगर टर्मिनल जाने के लिए टेम्पो का इंतजार कर रहे थे। इस बीच अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने के फिराक में गोली चला दी, जो सीधे किन्नर को जा लगी। सदर एडिशनल एसपी ने आगे बताया कि इस मामले में अमित कुमार नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से लूटे गए सोने की चेन, अंगूठी, एक पिस्टल, एक चाकू और घटनाक्रम में पहने हुए कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में। एक घटना हुई थी जिसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सन को रोड पे डेड बॉडी उनका पाया गया था, जिसके बाद हम लोग उसमें अनुसंधान के क्रम में ये सामने आया है कि इसमें जो घटना कारित करने वाले लड़के हैं वो दो लड़के हैं, और दोनों लड़के जो हैं उनका आपराधिक इतिहास पता चल रहा है कि पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। उनमें से एक लड़के को पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में लिया है, जिसके क्रम में पूछताछ के क्रम में और जो है रेड्स के क्रम में हमारे पास रिकवरी हुई है, जिसमें इन्होंने जो पहले एकदम घटना के पहले दो घटनाएं इन्होंने कर चुके थे ऑलरेडी। एक सुबह सुबह ये शालीमार स्वीट के पास एक ऑफिस में इन्होंने गृह वेतन करके उस ऑफिस में इन्होंने चोरी की थी, जिसमें लैपटॉप, उनके चेकबुक्स, मोबाइल, पेन ड्राइव्स इत्यादि ऐसी चीज़ें जो हैं और कुछ कैश बताया जा रहा है वो इन्होंने चोरी किया था। एक बैग में सारा कुछ डाल के ये ले गए थे। उसके बाद ये रोड पे आए दोनों लड़के, रोड के आके इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। उसमें इन्होंने एक अंगूठी, सोने का चेन, लगभग 5,000 रुपया और चोरी में एक मोबाइल, लूट में एक मोबाइल इन्होंने एडिशनली चुराया पहले एक ऑटो को रोक के। उसके बाद जस्ट उसके विद इन फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स इन्होंने सेकंड ऑटो रोका। इनका प्लान था हम लोग जाएंगे राजेंद्र नगर की तरफ और वहां जाके ये अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढेंगे। उसी क्रम में जो है एक ऑटो आया जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे पीछे, इन्होंने उनको खाली करने के लिए कहा। एक व्यक्ति तो वहां से भाग गया, लेकिन जो ट्रांसजेंडर बैठे हुए थे वो इनके साथ झड़प कर गए कि हम लोग नहीं उतरेंगे। उसी झड़प में इनकी जो है तूतू मैं हुई, भैंसा भैंसी हुई और इनमें से जो एक था, दोनों थे मतलब, ये इन्होंने गोली चला दी, जिसके चलते उनकी एकदम से डेथ हो गई और ये लोग वहाँ से भागे। उसके बाद पुलिस ने जो है एक्शन करते हुए, अनुसंधान करते हुए तकनीकी और वैज्ञानिक तौर पर इनमें से एक लड़के को अपनी हिरासत में लिया हुआ और बाकी के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन ऑन है। एक लड़का और है, उसको हम लोग रेड्स कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, वो भी पकड़ा जाएगा। ऑटो भी बरामद की हुई है। क्या बोल रहे हैं, ऑटो नहीं, ऑटो तो चालक था ना जो इन्होंने अपराध किया था। जिस वेपन से मारा था वो वेपन हमारे पास बरामद हो गया है। जो गोली, जो एक लाइव इनके पास एक एम्युनिशन है वो बरामद हो गया है। अपराधी के इतिहास है क्या? अपराधी का इतिहास है दोनों लड़कों का है। एक लड़का तो अभी रिसेंटली जो जिसको हम लोग पकड़े हैं ये 18 दिसंबर 2021 को ये छूटा है जेल से, ऐसा बता रहा है, बेउर जेल से छूट के आया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।